गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, चैप्टर 12, दैट इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए, तो आज अपना नेक्स्ट चैप्टर 12 है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो रिलेटेड है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। चलिए, सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन एक्चुअली में है क्या था। ठीक है, तो आपने सिक्स क्लास में भी ऑलरेडी इस टर्म के बारे में पढ़ चुका है। रिप्रोडक्शन होता है अपनी तरह की, ठीक है, अपनी ही तरह की एक न्यू स्पीसीज जो है, स्पीसीज बोल सकते हैं, या अपने तरह के न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करना। ठीक है, जो अपने से रिजेंबल करते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनिज्म बोलिए या इंडिविजुअल बोलिए, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो अपनी ही तरह के न्यू ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो उन्हीं की तरह रिजेंबल करने के, यानी कि उनके सारे फीचर जो वो उनके पेरेंट्स से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो अपने ही तरह के पेरेंट्स न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे, उसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। अब ये टर्म जरूरी नहीं है प्लांट्स में हो, ह्यूमन में भी होती है, ठीक है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली यहाँ पढ़ेंगे हम प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन अगर आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है, रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोडक्शन होता है रिप्रोड्यूस करना अपने ही तरह के न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने ही तरह के न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनके जो चाइल्ड होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग के जो बेबीज़ होंगे उनके सारे ही फीचर उनके पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, उनके भी बॉडी का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होंगे, लेकिन उन्हीं की तरह उनकी सारी बनावट होगी। ठीक है, सारा स्ट्रक्चर और अपनी तरह के ऑर्गेनिज्म जो वो फॉर्म करते हैं, तो उसी को रिप्रोडक्शन बोला जाता है। लेकिन हम इस चैप्टर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं, कैसे प्लांट जो वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, तो वो सारे वेजिटेटिव मेथड कैसे हैं, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में कौन कौन से मेथड रहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टर्म किसे बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी ही टर्म, या फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ये सारी टर्म हम इस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली में क्या है, अपनी तरह के न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। चलिए, यहां पे हम बात करेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब कौन कौन से मोड्स होते हैं, तरीके। ठीक है, तो आपने क्लास सिक्स में, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स पढ़े। ठीक है, आपने क्लास सिक्स में पढ़ा हुआ है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आप क्या है, एक लिस्ट बना सकते हो जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है। ठीक है, आपको पता है एक प्लांट है, एक प्लांट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका स्टेम वाला पोर्शन है, यहाँ पे ब्रांचेस हैं उसकी। ठीक है, ब्रांचेस में आप देख रहे हो, ब्रांचेस में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे लीव्स हैं। ठीक है, ये आ गया आपका ट्री, तो ये सारे लीव्स हैं, उसमें बर्ड्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्लावर है, तो ये सारे आप बोलते हो। ठीक है, ये आपने सब कुछ कर रखा है। ठीक है, कि कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं। ठीक है, प्लांट के पार्ट के मतलब जो भी हैं आपको पता है। तो मोस्ट ऑफ दी प्लांट में होता है, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो, ठीक है, प्लांट में आपको पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, उसमें रूट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, देन स्टेम वाला रीजन है, उसमें ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसके लीव्स वाला रीज़न है, तो ये सारे रीज़न आप बताओगे। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ दी प्लांट जो होते हैं उनमें रूट, स्टेम, लीव, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, प्लांट में जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस और ये लीव्स वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये इसके कैसे पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, ये कैसे पार्ट हैं इसके, वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो प्लांट के जो रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स वाले पार्ट हैं, इनको वेजिटेटिव पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं प्लांट के, तो ये सारे प्लांट हैं, ये पार्ट हैं। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट।
और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हो वो ग्रोथ शो करते हैं। मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट आप क्या करते हो, जब आपने प्लांट लगाया है तो वो ग्रोथ भी शो करेगा, ठीक है। कुछ मंथ बाद आप देखते हो उसका साइज, उसकी ग्रोथ होने लगती है, उसका साइज इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे लीव्स फॉर्म हो जाते हैं, उसमें फ्लावरिंग की फॉर्मेशन होती है, फिर फ्रूट फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये सारे आप स्ट्रक्चर देखते हो। आपने मैंगो ट्री देखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें फ्लावरिंग आती है आपके स्प्रिंग सीजन में आती है। तो ये जो आपके फ्लावर फॉर्म होते हैं, ठीक है, और उसका जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, जूसी फ्रूट होता है। मैंगो का सीज़न चला हुआ है अभी, ठीक है, तो स्प्रिंग सीजन में मैंगो आपको मोस्टली देखने को मिलते हैं, तो उनका फ्लावरिंग हो आती है, ठीक है, और उसमें से जूसी फ्रूट जो वो आपको मिल जाता है, जिसको आप इंजॉय करते हो समर सीज़न में। तो ये सारे फ्रूट जो है यूजली आप क्या करते हो, फ्रूट वाला पोर्शन तो खा लेंगे और जो सीड वाला पोर्शन है उसको क्या करोगे, फेंक दोगे, ठीक है। अब मैंगो का आप क्या करते हो, जो जूसी पोर्शन है, ठीक है, उसको तो आप खा लोगे आराम से, और जो सीड वाला पोर्शन होगा उसको फेंक दोगे। अब इस सीड को क्या है, हम सॉइल में डालेंगे, ठीक है, ये हमारी सॉइल है, इसमें डाला और इसमें से क्या है, आप देखते हो कि प्लांट जो वो फॉर्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आप सीड डालोगे और वो सीड जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट जो वो फॉर्म, ये आपने सीड डाला था, ठीक है, सीड जर्मिनेट किया, यहाँ पे इसने रूट रॉट फॉर्म करी, प्लांट फॉर्म करी, एक न्यू प्लांट बन गया आपका सीड में से, ठीक है। और ये जो फ्लावर फॉर्मेशन होगी, ठीक है, फिर आप देखोगे इसमें यहाँ पे क्या होगा, न्यू प्लांट बन गया है तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या करेगा, वो फ्लावर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो फ्लावर में वहाँ पे डिफरेंट टाइप के, तो ये जो आपका फ्लावर है, जब इसमें फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो फ्लावर क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करता है, यहाँ पे आगे बताएंगे आपको, ठीक है, कैसे होता है ये, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है। अब इसी फ्लावर में क्या होता है, जो इसका मेल पोर्शन होता है और फीमेल भी होता है, स्टेमन और पिस्टिल प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल पोर्शन भी प्रेजेंट है, वो आपस में पॉलिनेट करते हैं, ठीक है, पॉलिनेशन होती है, देन फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद सीड बनता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हम आगे के लिए करते हैं। आपको मैंने क्या बताया, ठीक है, हमने वेजिटेटिव पार्ट बता दिया, जो उसका रूट है, स्टेम पोर्शन है, ब्रांचेस है, लीव्स हैं, उनको उसका वेजिटेटिव पोर्शन बोला जाता है। और जो उसका सीड पोर्शन है, ठीक है, ये जो उसका फ्लावर पोर्शन आ गया, प्लांट बन गया ना यहाँ पे, और ये फ्लावर के बाद ये जो फ्रूट फॉर्म हुआ, ठीक है, ये जो फ्लावर वाला है, ये फ्लावर पूछा जाए, फ्लावर जो वो उसका कैसा पार्ट है, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, क्योंकि ये ही रिप्रोड्यूस करेगा और यहाँ पे न्यू प्लांट जो वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसी फ्लावर से क्या होगा, आपका न्यू प्लांट बनेगा, ठीक है, वहाँ पे पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, फिर सीड बनेगा, और सीड को ग्रो करो आप सोन करोगे, ठीक है, सॉइल में डालोगे तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेम रूट ब्रांचेस लीफ जो हैं वो आपके कैसे पार्ट हैं, वो वेजिटेटिव पार्ट हैं। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। अब यहाँ पे डिफरेंट वेज है जिनके थ्रू जो प्लांट रिप्रोड्यूस करके अपनी तरह के ऑफस्प्रिंग फॉर्म करता है, यानी कि अपनी तरह के न्यू प्लांट्स जो स्मॉल न्यू प्लांट्स जो वो फॉर्म करता है, उसी को तो हमने रिप्रोडक्शन बोला था। अब ये टू टाइप की होती है रिप्रोडक्शन जो है, वो भी टू टाइप की है, कौन कौन सी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेकेंड है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, ए वर्ड जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ए का मतलब होता है नो, यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी ही नहीं, ठीक है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगी। चलिए, तो यहाँ पे प्लांट जो है वो आपका न्यू प्लांट जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पे ए सेक्सुअल में वो सीड से नहीं बनता है, ठीक है। मोस्टली आपने देखा है कि जो आपका प्लांट पड़ेगा, जब आप सीड डालते हो ना सॉइल में, ठीक है, उसको प्रॉपर कंडीशन अप्लाई करते हो, सारी एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है, आप उसको वाटर देते हो, तब वो जाके क्या है, एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट बन जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, ठीक है, न्यू प्लांट बना। लेकिन यहाँ पे जब प्लांट आपका फॉर्म तो होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीड नहीं है तो प्लांट नहीं बनेगा। अब यहाँ पे प्लांट तो बनना है आपका, ठीक है, लेकिन सीड से नहीं बनेगा, सीड के बजाय अगर किसी भी पार्ट से बन जाएगा, लेकिन सीड से वहाँ पे प्लांट फॉर्म नहीं होगा, तो उसी को ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्लांट जो वहाँ पे न्यू प्लांट जो फॉर्म होगा, ठीक है, वो आपका विदाउट सीड होगा, न्यू प्लांट फॉर्म होगा, उसमें सीड से ग्रो नहीं करेगा, मतलब सीड से फॉर्म नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, जो आपका न्यू प्लांट ये जो बनाएगा ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो न्यू प्लांट बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे बनेगा, सीड के थ्रू बनेगा, सीड से ही नया प्लांट बनता है, ठीक है, न्यू प्लांट बनेगा, तो उसके हम क्या बोलेंगे,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म आपको क्लियर हो गई होगी, ए सेक्सुअल है मतलब यहाँ पे सीड नहीं होगा, विदाउट सीड ही न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है उसके स्टेम पोर्शन से बन जाए, ठीक है। तो जैसे आप रोज़ का प्लांट देखते हो, रोज का प्लांट क्या है, आप सीड नहीं लगाते हो उसके, ठीक है। आप क्या करते हो, उसका वो जो ऊपर का स्टेम वाला पोर्शन काटते हो और उसी को क्या है सॉइल में डाल के उसमें से वो ही ग्रो करने लगती है और न्यू आपका रोज़ का प्लांट लग जाता है, ठीक है। तो वो आपका सारे ये एसेक्सुअल मेथड में चले, वहाँ पे आपको सीड की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। प्लांट तो बना आपका, ठीक है, प्लांट तो ग्रो किया, लेकिन सीड की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीड से आपका न्यू प्लांट नहीं बनेगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका न्यू प्लांट सीड से ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए अब डिटेल में हम पढ़ेंगे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, हम एक एक करके हर एक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको पता लग गया है यहाँ पे एसेक्सुअल है यानी कि सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट है बीच में वो तो होगा ही नहीं, ठीक है। सेक्सुअली तो नहीं फॉर्म हो रही, ठीक है। एसेक्सुअली फॉर्म हो रही है यानी कि सीड तो इन्वॉल्व है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट ऑब्टेन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है, बिना सीड के फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट मेथड आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। इनके ये जो नेम लिखे होते हैं ना यहाँ पे टर्म्स के नेम, इन्हीं में इनके आंसर होते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसेक्सुअल में बिना सीड के जो है, ठीक है, सीड का यूज़ किए बिना हम न्यू प्लांट बनाएंगे, न्यू प्लांट जो वो फॉर्म होगा उसको बोला हमने एसेक्सुअल। अब इसमें फर्स्ट हम आ गई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोपेगेट करना होता है उसको, ग्रो करवाना वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे फॉर्म करना है प्लांट को। और वेजिटेटिव यानी कि उसके वेजिटेटिव पार्ट कौन से बताए मैंने उसको आपको, यहाँ पे प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं, रूट है, उसका स्टेम पोर्शन है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस वाला पोर्शन है, ब्रांचेस हैं, या फिर उसका यहाँ पे लीव्स वाला पोर्शन है। इनमें से किसी भी पोर्शन को अगर आप क्या करते हो, सॉइल में डालते हो, ठीक है, डालोगे वहाँ पे सीड की तरह और वहाँ से आपको एक न्यू प्लांट मिल जाता है, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। यानी कि वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट कैसे बनेगा आपका, जो ये आपके सारे वेजिटेटिव पार्ट है ना, तो आपका कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट है उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट जो वो फॉर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है जिसमें न्यू प्लांट जो वो आपके रूट, स्टेम, लीव्स, बड वाला पोर्शन आ जाता है, ठीक है, इन पोर्शन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो वेजिटेटिव पार्ट से आपका न्यू प्लांट बनेगा उसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली टाइम ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्लांट की प्रोडक्शन होगी फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच या बड, ठीक है, इस क्वेश्चन से। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, आप क्या कीजिए, रोज या चंपा का जो प्लांट है उसको नोड वाले रीजन से, नोड वाला रीजन कौन सा होता है, ये देखिए ये आपका स्टेम वाला रीजन है, जहाँ से आपके ये लीव्स निकलते हैं ना, ठीक है, ये जो आपके जहाँ से ये आपके, ठीक है, लीव्स निकल रहे हैं वो इसके नोड होते हैं और बीच वाला रीजन इंटरनोड होता है, ठीक है। तो ये नोड वाले रीजन से आपको क्या करना है, यहाँ पे रोज प्लांट या चंपा का जो भी प्लांट है उसको नोड रीजन से कट करना है, ठीक है, एक ब्रांच लेनी है आपको एक कट करके रोज की, और उसको क्या करना है, जो कटिंग पार्ट है उसको आप क्या करोगे, सॉइल में डाल दोगे, ठीक है। ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे स्टेम वाला पोर्शन लिया, ठीक है, नोड वाले एरिया से उसको काटा जहाँ पे उसका नोड था और उसको डाल दिया आपने सॉइल में, कटिंग पार्ट को, ठीक है, ये हमारा कटिंग पार्ट है। तो इसको क्या किया आपने, सॉइल में कर दिया, ठीक है, बरी कर दिया, मतलब उसको बीच में डाल दिया सॉइल के बीच में। अब ये जो नोडल पार्ट है, ठीक है, आपको पता है ये जो स्टेम का नोडल पार्ट होता है ना, इसी में से क्या करते हैं, लीव्स निकलते हैं आपके, लीव्स यहीं से राइज होते हैं। तो जो वाटर है, जो कटिंग पार्ट है, ठीक है, हर उसका एक पार्ट जो है, ठीक है, आप उसमें क्या देखोगे, जब आप उसको पानी देते रहोगे, आप इसको पानी देते रहोगे डेली, आप देखोगे कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो कि अब इसमें कुछ लीव्स भी फॉर्म होने स्टार्ट हो गए हैं,
ठीक है, आप देख रहे हो ना वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, आप रिकॉर्ड करते रहोगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है, रूट टू कम आउट, उसकी रूट्स निकल आई हैं, ठीक है, उसके लीव्स निकल आए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे नोटिस करते रहोगे, ठीक है। एक्टिविटी कर सकते हो आपकी कितने डेज के बाद जो वहाँ पे फॉर्म हुआ, या फिर आप मनी प्लांट के साथ भी इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मनी प्लांट को जो है एक वाटर का जार लीजिए और उसमें जो है, ठीक है, डाल दीजिए उसको और ऑब्जर्व कीजिए कि कितने टाइम में वहाँ पे रूट्स फॉर्म हो रही हैं उसकी, ठीक है, कितने टाइम में यहाँ पे रूट्स निकली और इसका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी वहाँ पे एक्टिविटी आप नोट कर रही, मस्ट हैव सीन फ्लावर बर्ड डिवेलपिंग इनटू फ्लावर। आप देखते हो कि वो जो फ्लावर है, ठीक है, पहले वो फ्लावर बर्ड में होता है, ठीक है। आप जब भी देखते हो ना फ्लावर, आपको पूरा ही फ्लावरिंग फॉर्म में नहीं मिलता ऐसे, ठीक है। पहले जब भी आप देखते हो तो वो आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देता है, बर्ड की फॉर्म में, एक कली की फॉर्म में होता है ना, तो इस फॉर्म में होता है ये आपका। तो बर्ड फॉर्म में आपने हमेशा फ्लावर को बर्ड फॉर्म में देखा है। बर्ड फॉर्म से क्या होता है, बर्ड फॉर्म से वो फुली फॉर्म फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फिर फ्लावर बनाता है। तो अपार्ट फ्रॉम फ्लावर वर्ड देयर आर वर्ड्स इन द एक्सिल, एक्सिल रीजन में कहाँ से होते हैं, जहाँ से लीव निकल रहे हैं, ठीक है, ये वाला बीच वाला रीजन है ना, ये देखो ये स्टेम पोर्सन है, यहाँ पे ये देखिए लीव निकल रहे हैं यहाँ इस पोर्सन से, तो ये वाला रीजन जो होगा ना, स्टेम का पोर्सन जो है और ये जहाँ से लीव निकला है, ये बीच वाला पोर्सन है, ये होता है आपका बर्ड पोर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके एक्सिल में जहाँ से लीफ अटैच है आपका नोड वाले पोर्शन के पास, ठीक है, वहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है स्मॉल, दैट इज़ कॉल्ड बर्ड। और ये बर्ड जो होते हैं वो वेजिटेटिव बर्ड होते हैं, क्योंकि डिवेलप नहीं हुए ना, तो इन बर्ड से भी क्या कर सकते हो आप, न्यू प्लांट वो फॉर्म कर सकते हो। तो ये बर्ड जो है एक शॉर्ट स्टेम होती है, एक शॉर्ट स्टेम का स्ट्रक्चर होता है जो इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लीव्स की ओवरलैपिंग होती है, तो ये वेजिटेटिव बर्ड्स भी क्या करते हैं, ये आप वेजिटेटिव बर्ड लो ना यहाँ पे, ठीक है, ये वेजिटेटिव जो एक्सिल में था, तो ये वेजिटेटिव बर्ड लिया आपने, और इस वेजिटेटिव बर्ड में से भी क्या हो जाता है, एक न्यू प्लांट जो वो फॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है करने के लिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है, इसमें आपने क्या करना है, एक फ्रेश पोटैटो लेना है। अब आपने पोटैटो आप मोस्टली देखते ही हो, ठीक है, तो कोई भी आप वेजिटेबल घर में बनाओ, ठीक है, कुछ करते हैं आपके मम्मा, तो आप देखते हो उसमें पोटैटो वगैरह तो मोस्टली डालते ही हैं चीज़ों में। तो पोटैटो में आपने देखा पोटैटो के साइज कुछ ऐसे कुछ कुछ स्कार्स बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से निशान होते हैं उसमें, जिनको बोला जाता है आइस, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अब इस पोर्शन को जहाँ पे ये स्टार वाला पोर्शन है ना आई, इसके पीसीस कर लो, ये वाले पोर्शन जो कट कर लो, ठीक है, जहाँ पे ये स्टार वाला पोर्शन है, ये आई वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कट करके आपने किया, ये वाला पोर्शन लिया, ठीक है, कट करके और इसको डाल दिया आपने सॉइल, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इसमें से क्या होगा, रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसका स्टेम पोर्शन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आप नोटिस कर सकते हो कि कितने टाइम में हुई है, ठीक है, ये जो आइस की तरह स्ट्रक्चर होते हैं स्टार लाइक, ठीक है, आई स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इनको। तो ये जो आपका पोटैटो वो स्टेम पोर्शन है ये इसका, ठीक है। स्टेम क्या होती है, वो ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं, मोस्टली आप देखते हो रूट का पोर्शन ही सॉइल के अंदर होता है ना, पर यहाँ पे स्टेम वाला पोर्शन जो है वो चला जाता है सॉइल के अंदर, और वहाँ पे वो स्टेम पोर्शन जो है वो फूड को स्टोर करने का काम करता है और पोटैटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आइस लाइक स्ट्रक्चर आपने कट करना है, ठीक है, स्मॉल पोर्शन उसका, ठीक है, उसको सॉइल में डाल देना है और वाटर उसको रेगुलरली कुछ डेज के लिए डालें और फिर उसमें देखिए क्या प्रोग्रेस आई है, कितने टाइम के बाद जो उसमें रूट्स फॉर्म होने स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्या आपका छोटा सा प्लांट वहाँ पे निकल आया है, कितने डेज में निकला है। तो आप टर्मरिक प्लांट जो है, ठीक है, जिंजर का है, टर्मरिक का है, वो इसी तरीके से ग्रो करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ब्रायो, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। यहाँ पे ये जो लीफ के मार्जिन होते हैं, ठीक है, इसका जो ये लीफ होता है, ठीक है, ये है इसकी मिड रिब बीच वाली और ये है इसकी फिन्स। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइड वाला पोर्शन होता है ना, यहाँ पे ये मार्जिन वाले पोर्शन में कुछ बर्ड होते हैं, लीफी बर्ड, ये बर्ड, ठीक है, ये लीफी बर्ड है,
मैं आपको ब्रायोफाइलम का स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने बोला ना कि सीड की बजाय हम क्या पढ़ रहे हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने वेजिटेटिव मेथड में देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में क्या होता है, ये जो इसका लीफ है, इसका जो मार्जिन होते हैं, ठीक है, ये साइड वाले एरिया जो होते हैं इन्हें मार्जिन बोलते हैं। तो साइड वाले एरिया में क्या होता है, ये लीफ के बर्ड्स होते हैं, ये लीफ बर्ड हैं। जैसे ये यहाँ पे सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएंगे ना, यहाँ पे ये लीफ बर्ड गिरेगा तो सॉइल के कॉन्टैक्ट में, जैसे मतलब ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू प्लांट जो वो फॉर्म हो जाएगा ब्रायोफाइलम का, ठीक है। तो क्लियर है बातें आपको, ये कैसे करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रायोफाइलम में क्या करेगा, आपका जो लीफ है प्लांट का, ठीक है, जिसमें बर्ड्स जो वो मार्जिन पे होते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, लीफ के मार्जिन में, और इस प्लांट के लीफ जो वो कहाँ पे, जो मॉइस्ट सॉइल होगी, यहाँ पे ये जो सॉइल है ना पास में ही, इसके ये कैसी है, मॉइस्ट सॉइल है। तो यहाँ पे जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे या यहाँ पे गिर जाएंगे तो वो ये बर्ड क्या कर देगा, यहाँ पे न्यू प्लांट आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यू प्लांट जो है इस बर्ड ने फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नया प्लांट बन जाता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स जो हैं, ठीक है, ये स्टेम से हुआ है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी रूट्स जो हैं वो क्या करती हैं, रूट से एक नया प्लांट जो वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है जैसे आपका स्वीट पोटैटो है, शक्करकंदी भी बोलते हो आप उसको, ठीक है, सर्दियों के टाइम में खाते हैं। स्वीट पोटैटो है वो भी रूट की ही है, ठीक है, रूट का पोर्शन यूज़ करके उसमें से न्यू प्लांट जो वो फॉर्म होता है। डेलिया का है, ठीक है, वो भी इसी के एग्जांपल है। कुछ प्लांट ऐसे हैं आपके जैसे कैक्टी हैं, कैक्टस वाले हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं यहाँ पे न्यू प्लांट जो वो फॉर्म करते हैं। तो उनका जो कुछ पार्ट है, ठीक है, जैसे आप देखते हो ये फ्लैसिड वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ से तो कुछ पार्ट जो वो यहाँ से डिटैच हो जाता है, डिटैच मतलब यहाँ से निकल जाता है और नीचे गिर जाएगा और यहाँ पे फिर से क्या है, न्यू प्लांट जो वो फॉर्म कर देगा। तो जो डिटैच पोर्शन गिरा होगा ना, नीचे टूट कर गिर गया है, तो वो डिटैच पार्ट ही ग्रो करके क्या करता है, एक न्यू प्लांट बना देता है। तो चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पे वेजिटेटिव मेथड हमने देख रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट क्या है, वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैंने आपको क्या बताया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है यानी कि उसके वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव का मीन्स हुआ उसके रूट सीड को छोड़ के बाकी कोई भी पोर्सन है, ठीक है, प्लांट का, जैसे उसका स्टेम वाला पोर्सन है, उसका रूट वाला पोर्सन है, लीफ वाला पोर्सन है या बड वाले पोर्सन है, उनमें से अराइज करते हैं तो उसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू जो फॉर्म होते हैं, एक तो इनको ग्रो करने में क्या होगा, लेस टाइम लगेगा, ठीक है। अब आपने क्या है, मैंगो खाया हुआ है, ठीक है, उसकी क्या करी आपने, जो गुठली है उसका सीड है वो आपने सॉइल में डाल दिया। अब देखिए उसका छोटा सा प्लांट निकलेगा, ठीक है, उसको मतलब उसको बड़ा होने में काफ़ी मतलब ईयर्स निकल जाएंगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर उस पर फ्लारिंग आएगी, ठीक है, फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जबकि आप ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड यूज़ करते हो ना, जैसे आपने स्टेम का यूज़ करा, तो वो कुछ मतलब काफ़ी कम टाइम लगाता है वहाँ पे न्यू प्लांट फॉर्म करने के लिए, ठीक है। एक तो इसको लेस टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, और इसमें फ्लावर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, फ्रूट जो वो जल्दी से फॉर्म हो जाता है, ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। तो यहाँ पे जो है वो क्या करता है, एक तो फ्लावरिंग फॉर्मेशन भी जल्दी से हो जाएगी, ठीक है, और फ्रूट भी जल्दी से फॉर्म हो जाएगा सीड के कंपैरिजन, जब हम सीड करके ग्रो करवाएंगे उसके कंपैरिजन, ये प्रोसेस जो वो काफ़ी फास्ट होती है। अब ये जो न्यू प्लांट्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली, अब इसमें से देखिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला मेथड है ना, अब इसमें से जो भी आपको न्यू प्लांट मिलेंगे ना, ये जो न्यू प्लांट बने होंगे, ठीक है, वो एग्जैक्टली कार्बन कॉपी होंगे, मतलब स्ट्रक्चर बेसिस को पूरे। अगर आप सरसों का प्लांट देखते हो ना, तो जो उसका पेरेंट प्लांट है, जो न्यू प्लांट फॉर्म हुआ है, वो भी एग्जैक्ट उसकी कॉपी ही होता है, ठीक है। आप उसको आइडेंटिफाई मतलब आप नहीं बता सकते कि कौन सा ये सरसों का प्लांट है, ठीक है, ये पहले वाला है या बाद में फॉर्म हुआ है। तो एग्जैक्टली जो न्यू प्लांट बनता है एग्जैक्टली कॉपी होते हैं वो एक दूसरे की, उसमें कोई भी आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। जैसे उसका पेरेंट है, ठीक है, जैसे उसका पेरेंट प्लांट था ना, वैसे ही वो उसका क्या होगा, न्यू सबस्ट्रेट, यानी कि उसका न्यू प्लांट जो होगा, ठीक है, उसका बेबी प्लांट जो होगा वो भी अपने पेरेंट की तरह होगा, एग्जैक्ट उसकी कार्बन कॉपी होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगल पेरेंट होते हैं,
ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना उसमें मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए, ठीक है, वो फर्टिलाइज करेंगे तभी आगे बताएंगे कैसे सीड की फॉर्मेशन होगी जब उसका स्टेमर और पिस्टल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई झंझट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, ये यूनिपेरेंटल होते हैं, एक पेरेंट से भी। अब आप कहाँ बोलेंगे कि रोज वाला कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, एक तो लेस टाइम में बहुत सारे हम प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन हो सकती है, लेस टाइम लगेगा हमारा, जबकि सीड फॉर्म कर सीड के तरह से लगाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो न्यू प्लांट हमारे फॉर्म होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की, जो बेबी प्लांट बने हुए हैं ना, वो उनकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी होते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंटल होते हैं, ठीक है। यूनिपेरेंटल भी इनको बोला जाता है जो एसेक्सुअल होते हैं। तो हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्या उनको से करेक्टर फॉर्म करते हैं। तो उसमें अभी तो हमने देखा एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सिर्फ यूनिपेरेंटल है, एक ही पेरेंट है, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल एंड फीमेल दोनों ही पोर्सन इन्वॉल्व होंगे। जब फर्टिलाइज करेंगे, पॉलिनेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, तभी न्यू स्ट्रक्चर जो वो सीड की फॉर्मेशन होगी। तो प्लांट वहाँ पे सीड प्रोड्यूस करेंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही रिजल्ट होंगे। तो अभी पढ़ेंगे, इसके आगे हमें टर्म्स पढ़नी है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है, तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन का है और कुछ डिस्कशन करेंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ओके, बाय स्टूडेंट्स।